दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी अदाकारा की जो पर्दे पर डांस करती थी तो दर्शकों के दिलों की धड़कनें थम सी जाती थी। लोगों के दिलों में वे ऐसी छाई हुई थी कि उनकी हर अदा पर लोग मर मिटने को तैयार थे। फिल्मी पर्दे पर उनके द्वारा पहना हुआ कपड़ा, उनके हेयर स्टाइल, यहाँ तक कि उनके मेकअप को लोग दिल से फॉलो किया करते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 60 और 70 के दशक की सुपरस्टार रही मुमताज के बारे में। 60 और 70 के दशक में हिंदी सिनेमा जगत का वो नाम जिसे हर कोई प्यार करता था, वो खूबसूरत अदाकारा जिसकी स्माइल और जिसके लुक्स के लोग आज भी दीवाने हैं, जिसने कई सालों तक बॉलीवुड पर राज किया। मुमताज इतनी ज्यादा लोकप्रिय अभिनेत्री थी कि उस दौर का हर डायरेक्टर और अभिनेता उनके साथ काम करने के लिए तरसते थे। लेकिन मुमताज का सफर इतना आसान नहीं था। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मुमताज ने काफी संघर्ष किया। हिंदी सिनेमा में ऐसे बहुत से नाम हुए हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत एक साइड एक्ट्रेस के तौर पर की, मगर फिर बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्ट्रेस बनकर वो उभरी। ऐसा करने वालों में मुमताज सबसे पहली और सबसे प्रमुख रही है। अदाकारा मुमताज का जन्म भारत को आज़ादी मिलने से महज 16 दिन पहले यानी 31 जुलाई सन 1947 को हुआ था। इनके पिता अब्दुल शमीद अस्करी और इनकी माँ सरदार बेगम हबीब आगा ईरानी मूल के थे। इनके पिता व्यापार के सिलसिले में सालों पहले ही बॉम्बे आकर बस गए थे। बॉम्बे में इनकी माँ फिल्म इंडस्ट्री में छोटे मोटे रोल किया करती थी। वक्त गुजरा तो मुमताज की बहन मलिका भी फिल्म इंडस्ट्री में आ गई और उस दौर की बी ग्रेड फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने लगी। इसी बीच अचानक इनके माता पिता का तलाक हो गया और मुमताज अपनी माँ के साथ ही रही। परिवार पर आर्थिक मुसीबतें टूट पड़ी थी। उन हालातों में नन्ही मुमताज को भी फिल्मों में काम करना पड़ा और फिर सन 1952 में रिलीज हुई फिल्म संस्कार में मुमताज पहली दफा बाल कलाकार के रूप में सिल्वर स्क्रीन पर दिखाई दी। इसके बाद यास्मीन, लाजवंती और सोने की चिड़िया जैसी तमाम फिल्मों में भी ये नजर आई। वक्त गुजरता गया और मुमताज अब फिल्मों में बाल कलाकार की जगह सपोर्टिंग रोल निभाने लगी। वी शांताराम की स्त्री और सहारा नाम की फिल्मों में इन्होंने काम किया था, लेकिन इनका रोल इस लायक न था कि इन्हें कोई नोटिस करे। मशहूर निर्माता निर्देशक ओपी रलहन की फिल्म गहरा दाग में लोगों ने इनके काम को सराहा क्योंकि उस फिल्म में ये हीरो की बहन बनी थी। इसी दौरान मशहूर अभिनेत्री मधुबाला के पिता अताउल्ला खान ने मुमताज को लीड रोल में लेकर पठान नाम की एक फिल्म बनाने का ऐलान किया। फिल्म की शूटिंग भी लगभग शुरू हो गई थी, लेकिन बाद में यह फिल्म किसी कारण से बंद हो गई। इसके बाद कुछ और फिल्मों में भी इन्होंने साइड कैरेक्टर्स के रोल निभाए, लेकिन फिर 60 के दशक के मध्य में कुछ ऐसा हुआ कि मुमताज की पूरी जिंदगी ही बदल गई। दरअसल महान रेसलर और अभिनेता दारा सिंह 60 के दशक के मध्य में एक्टिंग की दुनिया में कदम रख चुके थे। वो कई बी ग्रेड फिल्मों जिन्हें उस जमाने में स्टंट फिल्में माना जाता था उसमें एज ए हीरो काम कर रहे थे, लेकिन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के सामने बड़ी परेशानी ये आ गई थी कि उस जमाने में कोई भी एक्ट्रेस दारा सिंह की हीरोइन बनने को तैयार नहीं थी। ऐसे में स्टंट फिल्म के एक डायरेक्टर ने दारा सिंह से ये कहा कि क्यों ना मुमताज को आपकी हीरोइन बना लिया जाए। दारा सिंह जी ने कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी हीरोइन कौन है, उन्हें सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करना है। फिर शुरू हुआ दारा सिंह और मुमताज का साथ में काम करने का सिलसिला। सन 1964 से लेकर सन 1968 तक मुमताज ने दारा सिंह के साथ करीब 16 फिल्मों में काम किया और उनमें से 10 फिल्में तो सुपरहिट साबित हुई। इसी दौरान मुमताज कुछ ए ग्रेड फिल्मों में भी अपने सपोर्टिंग रोल्स कर रही थी। दरअसल जिन दिनों मुमताज तारा सिंह के साथ एक के बाद एक फिल्में साइन करती जा रही थी, तो उन्हीं दिनों मीडिया में ये खबरें भी चली कि मुमताज और दारा सिंह रिश्तों में हैं। हालांकि किन्हीं कारणों से मुमताज और दारा सिंह की शादी नहीं हो सकी, लेकिन किस्मत का खेल देखिए
मुमताज की बड़ी बहन मलिका ने दारा सिंह के छोटे भाई रंधावा से ही शादी कर ली और आखिरकार मुमताज और दारा सिंह के बीच रिश्तेदारी हो गई। मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। मुमताज का बॉलीवुड करियर तो अब स्थापित होना शुरू हुआ। जब मुमताज दारा सिंह के साथ बी ग्रेड फिल्मों से चर्चित हो चुकी थी, वहीं साल 1969 में मुमताज को एक ए ग्रेड फिल्म भी साइन हुई। जब इन्हें फिल्म दो रास्ते में राजेश खन्ना के अपोजिट कास्ट किया गया तो फिल्म दो रास्ते सुपरहिट साबित हुई। इसी साल राजेश खन्ना के साथ मुमताज फिर से दिखाई दी फिल्म बंधन में। ये फिल्म भी बहुत ज़बरदस्त कामयाब रही। इस फिल्म के बाद मुमताज बॉलीवुड के टॉप मोस्ट और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई। राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी कई फिल्मों में साथ नजर आई और इन दोनों की लगभग हर फिल्म कामयाब ही रही। मुमताज और राजेश खन्ना की फिल्मों को लोग आज भी पसंद करते हैं। इन दोनों की जो केमिस्ट्री थी और इनके जो गाने थे आज भी लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाए हुए हैं। दोनों ने करीब 10 फिल्मों में साथ काम किया। इनके बीच की केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आई। राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी 80 के दशक में हिंदी सिनेमा की सबसे पॉपुलर जोड़ी हुआ करती थी। इनका न केवल ऑन स्क्रीन बल्कि ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी काफी अच्छी रही। राजेश खन्ना मुमताज को लेकर जितने प्रोटेक्टिव थे, मुमताज भी एक्टर के लिए उतनी ही प्रोटेक्टिव थी। राजेश खन्ना तो अपने ज़माने में कितने पॉपुलर थे, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि राजेश खन्ना को लेकर दीवानगी सिर्फ लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में भी थी। लड़के उनकी हर अदा और स्टाइल को कॉपी किया करते थे। फैंस की ऐसी दीवानगी राजेश खन्ना के लिए तब मुसीबत बन गई जब एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उनका दीदार करने काफी भीड़ इकट्ठी हुई थी। वाकया फिल्म दुश्मन की शूटिंग का है। इस फिल्म की शूटिंग पुणे से कुछ दूर एक छोटे से गांव में हुई थी। गांव वालों को इसकी खबर लग गई और राजेश खन्ना को देखने भारी तादाद में लोग इकट्ठे हो गए। शूटिंग रात के 2 बजे तक चली और लोग भी डटे रहे। शूटिंग खत्म होते ही लोग उमड़ पड़े। पहले तो लोग उन्हें छूने और हाथ मिलाने की कोशिश करते रहे, बाद में उनके साथ खींचातानी तक करने लगे। इसी खींचातानी में राजेश खन्ना के कपड़े तक फट गए थे। राजेश खन्ना को ये जल्द एहसास हुआ कि ये लोग उनके साथ बदसलूकी पर उतर आए हैं। एक्टर मदद के लिए चिल्लाने लगे लेकिन भीड़ में उनकी आवाज़ दब गई। अब राजेश खन्ना बुरी तरह से फंस गए थे और लोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। अचानक मुमताज सामने आई और राजेश खन्ना को भीड़ से बाहर लेकर चली गई। बिखरे बाल और फटे कपड़े में राजेश खन्ना बहुत घबराए हुए थे। इस घटना के बाद राजेश खन्ना ने इस गांव में शूटिंग करने से मना कर दिया और फिर फिल्म की पूरी यूनिट रातों रात मुंबई वापस लौट आई। इस तरह अदाकारा मुमताज ने राजेश खन्ना की जान बचाई थी और फिर देखते ही देखते मुमताज ने अपने ज़माने की हर बड़ी एक्ट्रेसेस को पीछे छोड़ दिया। जिन फिल्मों में मुमताज छोटे से रोल में नजर आती थी उनमें भी वो फिल्म की मेन हीरोइन पर तक भारी पड़ जाती थी और मुमताज की चमक के सामने किसी भी दूसरे हीरोइन का काम नहीं चमकता। अपने 14 साल लंबे करियर में मुमताज ने लगभग 100 फिल्मों में काम किया। इंडस्ट्री के हर बड़े स्टार के साथ मुमताज ने काम किया। इस दौरान फिल्म खिलौना के लिए उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। बंगाल फिल्म जर्नल अवार्ड ने इन्हें ब्रह्मचारी फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के खिताब से नवाजा। फिल्मफेयर ने भी फिल्म इंडस्ट्री में इनके योगदान के लिए इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर सम्मानित किया। दूसरी तरफ आईपा ने भी इन्हें साल 2008 में ऑनररी अवार्ड से सम्मानित किया। मुमताज के दौर के कई बड़े स्टार्स उनसे शादी करना चाहते थे। इनमें सबसे प्रमुख नाम है शमी कपूर। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, ये एवरग्रीन गाना शमी कपूर और मुमताज पर फिल्माया गया था। इस गाने में दोनों की केमिस्ट्री कमाल की थी और ये उस वक्त का सबसे आइकॉनिक गाना बन गया था। ये गाना फिल्म ब्रह्मचारी का था जिसमें मुमताज और शमी कपूर मुख्य भूमिकाओं में थे। बता दें कि इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान
दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। उस वक्त मुमताज महज 18 साल की थी, जबकि शमी कपूर उनसे 20 साल बड़े थे। मुमताज अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही थी, जहां उन्हें और अधिक काम करना था। शमी कपूर मुमताज से शादी करना चाहते थे, ऐसे में उन्होंने एक्ट्रेस को शादी के लिए प्रपोज भी किया। शमी कपूर से शादी करने को तो मुमताज भी तैयार थी, लेकिन शमी कपूर ने मुमताज के सामने ये शर्त रखी कि शादी के बाद उन्हें फिल्म इंडस्ट्री छोड़नी पड़ेगी, तो मुमताज ने उनसे शादी करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उनका दिल टूट गया। शमी कपूर के अलावा फिल्म अभिनेता जितेंद्र के साथ भी मुमताज की शादी की खबरें आई। हालांकि एक वक्त था जब अभिनेता जितेंद्र ने मुमताज के साथ काम करने से तक इनकार कर दिया था। दरअसल फिल्म बूंद बन गए मोती के लिए जितेंद्र को लीड एक्टर के तौर पर कास्ट किया गया। इस फिल्म में डायरेक्टर वी शांताराम की बेटी राजश्री जितेंद्र के अपोजिट नजर आने वाली थी और सहायक रोल में मुमताज काम कर रही थी। हालांकि किसी कारण से राजश्री फिल्म का हिस्सा नहीं बनी, ऐसे में उनका रोल मुमताज को करने के लिए मिला। इसकी जानकारी जब जितेंद्र को हुई तो उन्होंने फिल्म में काम करने से साफ इनकार कर दिया। जितेंद्र ने जब फिल्म बूंद बन गए मोती के लिए ना कह दिया, तब निर्देशक वी शांताराम ने उन्हें समझाया, जिस पर जितेंद्र ने कहा कि साइड रोल करने वाली एक्ट्रेस के साथ वह काम नहीं कर सकते। निदेशक वी शांताराम के समझाने पर जितेंद्र जैसे तैसे तैयार हुए और फिर दोनों ने साथ काम किया। ये फिल्म जब रिलीज हुई तो ये फिल्म ना सिर्फ हिट हुई बल्कि लोगों ने मुमताज की एक्टिंग को काफी सराहा। इस फिल्म के बाद दोनों ने लगभग 10 से अधिक फिल्मों में काम किया। हालांकि बाद में जब इस बारे में मुमताज को बताया गया तो उन्होंने कहा कि उन दिनों कई एक्ट्रेस ऐसे थे जो मेरे साथ काम नहीं करना चाहते थे। इस लिस्ट में शशि कपूर और धर्मेंद्र जैसे स्टार भी शामिल थे। हालांकि जब वह अपने करियर के पिक पर थी तो वही एक्ट्रेस मेरे साथ काम करने की जिद करने लगे थे। दोस्तों, एक ऐसा वक्त भी था जब मुमताज ने मशहूर अदाकारा मीना कुमारी के लिए फिल्म गोमती के किनारे में काम किया था, लेकिन उनकी फीस देने के लिए मीना कुमारी के पास पैसे नहीं थे। उनके ऊपर मुमताज के 3 लाख रुपए बकाया थे। वक्त बीतता गया और मीना कुमारी की सेहत भी अब खराब होने लगी। उन्हें कैंसर हुआ। फिर उन्होंने एक दिन मुमताज को अपने पास बुलाया और बड़ा फैसला लिया। उन्होंने मुमताज से कहा कि उनके जीवन का तो कोई भरोसा नहीं, जो उनके 3 लाख रुपए बकाया है उसके बदले वो मुमताज को अपना क्वार्टर रोड स्थित बंगला दे रही है। उन्होंने अपना कर्ज उतारने के लिए अपना आलिशान बंगला मुमताज के नाम कर दिया। गौर मतलब है कि मीना कुमारी का वह बंगला वैसा का वैसा ही है। हालांकि मुमताज वहां नहीं रहती बल्कि उनके भाई शाहरुख अक्सरी उस बंगले में रहते हैं। इस बात की जानकारी खुद शाहरुख अक्सरी ने एक इंटरव्यू के दौरान दी थी। उन्होंने बताया था कि जब कैंसर से पीड़ित मीना कुमारी की हालत बिगड़ने लगी और उन्हें खून की उल्टियां होने लगी तो उन्होंने मुमताज का कर्ज चुकाने के लिए अपना बंगला तक उनके नाम कर दिया। मुमताज ने अपने करियर में अपने समय के कई नामी अभिनेताओं के साथ काम किया। वह न्यू कमर एक्टर्स को भी अपने साथ काम करने का मौका देती थी। उस वक्त ऐसे ही एक एक्टर थे अमिताभ बच्चन, जो आज सदी के महानायक कहे जाते हैं। वर्ष 1973 में उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म बंदे हाथ में काम किया था। उस वक्त अमिताभ इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। अपने समय की ये सबसे महंगी एक्ट्रेस सेट पर मर्सिडीज लेकर आती थी। फिल्म सेट पर भी मुमताज की कार सबसे महंगी हुआ करती थी। एक बार शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन ने सेट पर मौजूद लोगों से यूं कहा कि एक दिन वो भी मर्सिडीज में सैर करेंगे। ये बात मुमताज के कानों तक पहुंची। उस दिन शूटिंग खत्म करने के बाद मुमताज ने अपनी कार की चाबी अमिताभ बच्चन को दे दी और उसकी जगह अमिताभ बच्चन की साधारण कार ले ली। इस बात से अमिताभ बच्चन काफी हैरान हुए और मुमताज की सादगी के भी काफी कायल। यूं तो मुमताज के साथ काम करना हर हीरो का सपना था, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था
जब शशि कपूर ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया। हालांकि जब इस बारे में मुमताज को पता चला तो उन्होंने शशि कपूर को चैलेंज तक कर दिया था। इस बात का खुलासा खुद अभिनेत्री मुमताज ने एक इंटरव्यू में किया। मुमताज ने कहा था कि मेरे साथ शशि जी को फिल्म सच्चा झूठा ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने इसे करने से इनकार कर दिया। मैं उनसे इनकार की वजह पूछने के लिए महबूब स्टूडियो गई। मुमताज ने आगे बताया कि शशि जी ने मुझसे कहा ऐसा कुछ नहीं है, मगर मैं सच जानती थी, इसी वजह से मैंने उन्हें चैलेंज कर दिया और कहा देखना एक दिन आप खुद मेरे साथ जरूर काम करेंगे। इसके अलावा मुमताज ने शशि कपूर के बारे में आगे बताया कि कोई किसी का सगा नहीं होता, लोग तो समय के साथ चलते हैं, हमें एक साथ बहुत सी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। अगर मैं सिर्फ प्रेम कहानी में ही शशि जी के साथ काम कर सकी। मेरी शादी तय हो चुकी थी और फिर मैं लंदन में शिफ्ट हो गई। शशि जी को इस बात से बहुत तकलीफ हुई। आपको बता दें कि दर्शकों ने शशि कपूर और राजेश खन्ना के साथ मुमताज की जोड़ी को बेहद ही पसंद किया। मुमताज की बॉलीवुड में भी सभी के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। एक दफ़ा तो मुमताज अपने एक दोस्त को फिल्म में काम दिलाने के लिए डायरेक्टर तक से भिड़ गई थी। हालांकि बाद में उस एक्टर ने सुपरस्टार बनकर सालों इंडस्ट्री पर राज किया। दोस्तों, यूं तो एक्टिंग की दुनिया में ये कहा जाता है कि यहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं है, लेकिन सालों पहले एक्ट्रेस मुमताज ने इस बात को गलत साबित कर दिया। दरअसल उनके करियर की एक खास फिल्म थी संजीव कुमार की शानदार एक्टिंग वाली फिल्म खिलौना। इस फिल्म में एक्ट्रेस के साथ उनके खास दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा भी अहम भूमिका में नजर आए थे, लेकिन जब उन्हें फिल्म से बाहर किया जा रहा था तो मुमताज ही थी जिनकी वजह से उन्हें यह फिल्म दोबारा मिली। शत्रुघ्न सिन्हा और मुमताज की दोस्ती संजीव कुमार की वजह से ही हुई थी। मुमताज ने शत्रुघ्न सिन्हा को अपना अच्छा दोस्त माना। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साल 1970 की बड़ी हिट फिल्म खिलौना में काम करने का मौका भी शत्रुघ्न सिन्हा को मुमताज के कहने पर ही मिला। इस फिल्म में टीएलवी प्रसाद ने उन्हें छोटा लेकिन अच्छा रोल दिया। छोटा सा रोल होने के बाद भी वह सेट पर घंटों बैठे रहते, हालांकि उन्हें ज़्यादा कोई सीन नहीं मिलते। न्यू कमर होने की वजह से उन्हें सेट पर भी परेशान किया जाता था। कई लोगों को तो वह खलने भी लगे थे। मुमताज से शत्रुघ्न सिन्हा की दोस्ती भी कुछ लोगों को रास नहीं आती। ऐसे में कई दिनों सेट पर आते रहने के बाद भी उनका कोई भी सीन शूट नहीं हुआ तो वह भड़क उठे। केस व्यवहार के चलते उन्हें फिल्म से बाहर करने का फैसला लिया गया, जो उनके करियर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। लेकिन जैसे ही ये बात शत्रुघ्न सिन्हा की दोस्त मुमताज को पता चली तो उन्होंने डायरेक्टर से कहा कि अगर शत्रुघ्न सिन्हा को फिल्म से निकाला गया तो मैं भी फिल्म छोड़ दूंगी। चूंकि उस दौर में वह काफी बड़ी एक्ट्रेस थी, इसीलिए निर्देशक ने उनकी ये बातें मान ली और अपना फैसला भी बदल लिया। मुमताज की खूबसूरती का ये आलम था कि विदेशी मीडिया भी उन्हें एशियन मर्लिन मुनरो कहती थी। एक इंटरव्यू में मुमताज ने ये बताया कि मेरी शादी के बाद राजेश खन्ना की आंखों में आंसू थे। राजेश खन्ना और मुमताज ने फिल्म दो रास्ते, आपकी कसम, दुश्मन, सच्चा झूठा जैसे शानदार फिल्मों में साथ काम किया। दोनों की जोड़ी जितनी ऑन स्क्रीन फेमस थी उतनी ही ऑफ स्क्रीन भी लोग उनके दीवाने थे। राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी की सफलता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस फिल्म में ये दोनों साथ में होते वो फिल्म खुद ही हिट हो जाती। एक बार मुमताज ने मीडिया में इस घटना के बारे में याद करते हुए कहा कि लोग ऐसा कहते हैं कि मेरी शादी के बाद जब मैं लंदन गई थी तो राजेश खन्ना के आंखों में आंसू थे। हालांकि मैं यहाँ नहीं थी, लेकिन उनके करीबी लोगों ने मुझे बताया कि जब मैंने शादी की और भारत छोड़ दिया तब काका ने कहा कि मैंने अपना दाहिना हाथ खो दिया। जाहिर है उन्होंने मुझे बहुत याद किया होगा, क्योंकि हम दोनों की जोड़ी इतनी कमाल थी। राजेश खन्ना तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक बार जब बीमार काका से मिलने मुमताज पहुंची तो उन्हें देख वो रोने लगे थे। कैंसर से पीड़ित काका आखिरी पलों में बेहद ही शांत और भावुक हो गए थे।
अस्पताल में भर्ती राजेश खन्ना से मिलने जब अदाकारा मुमताज पहुंची तो उन्हें देख काका बेहद खुशी हुए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। राजेश खन्ना के साथ आखिरी पलों तक साथ रहने वाले भूपेश रशीन नामक एक शख्स ने इंटरव्यू में ये बताया था कि अपने जीवन के आखिरी पलों में काका काफी खामोश रहते थे और किसी से भी बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन जब उन्होंने मुमताज को देखा तो वो इतने खुश हुए और बात भी करने लगे। इस साल 1974 में मुमताज ने लंदन में रहने वाले भारतीय मूल के बिजनेसमैन मयूर माधवानी से शादी कर ली थी। के बाद साल 1976 तक मुमताज ने अपने फिल्मों की शूटिंग पूरी की और फिर अपने पति के साथ लंदन चली गई। मुमताज की दो बेटियां हैं नताशा और तानिया। इनकी बेटी नताशा की शादी इन्हीं के को-स्टार मशहूर अभिनेता फिरोज खान के बेटे फरदीन खान से हुई, जबकि इनकी बेटी तानिया की शादी एक ब्रिटिश से हुई। साल 1990 में मुमताज ने फिर से फिल्म आंधिया के जरिए बॉलीवुड में कमबैक करने की कोशिश की, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हुई और मुमताज की दूसरी पारी शुरू होते ही खत्म हुई। मुमताज अब अपने परिवार के साथ लंदन में ही रहती हैं, लेकिन भले ही मुमताज फिल्मी दुनिया से दूर हो मगर अभी भी वो अपने सह कलाकारों के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग शेयर करती है। कुछ दिनों पहले ही मुमताज अपने पुराने हीरो और दोस्त धर्मेंद्र के घर अचानक पहुंच गई, जिसके चलते उनके घर में खुशहाली का माहौल आ गया। मुमताज को अपने घर पर देखकर धर्मेंद्र बहुत खुश हुए, तो वहीं उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर ने मुमताज का जोरदार स्वागत किया। मुमताज और धर्मेंद्र की कुछ खूबसूरत तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आई, जिसे खूब पसंद किया गया। इन तस्वीरों में मुमताज अपनी बहन धर्मेंद्र और उनकी पत्नी प्रकाश कौर के साथ नजर आ रही है। इस दौरान जब धर्मेंद्र की मुलाकात मुमताज से हुई तो उन्होंने अपने पुराने दिनों की बातें की और एक दूसरे के साथ पुराने किस्से भी शेयर किए। इसकी झलकियां उन्होंने अपने फैंस के साथ भी शेयर की। मुमताज और धर्मेंद्र की जोड़ी सुनहरे पर्दे पर हिट थी और लोगों ने इन्हें खूब पसंद किया। यूं तो काफी वक्त बीत चुका है और इन सितारों ने फिल्मी दुनिया से दूरियां बना ली, लेकिन इनकी दोस्ती अभी तक कायम है। एक जमाने में सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर अपना करियर शुरू करने वाली मुमताज ने अपने मेहनत के दम पर बॉलीवुड में अपना वो नाम कमाया और वो मुकाम बनाया जिसका ख्वाब हर एक्ट्रेस देखती है। मुमताज की जगह लेने वाली कोई और एक्ट्रेस बॉलीवुड में कभी नहीं आई और ना ही कभी आएगी।